उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सरकारी दफ्तर में सत्ता का रौब दिखाना भाजपा नेत्री और उनके समर्थकों को महंगा पड़ा है। मत्स्य विभाग पालक अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पुलिस को भाजपा महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष रेखा निषाद सहित कई के खिलाफ विधिक कार्यवाही के लिए पत्र लिखा है। इस कार्यवाही के बाद से सत्ता के गलियारे में हलचल मच गई है। जानकारी के अनुसार सोमवार को बीजेपी महिला मोर्चे की अध्यक्ष रेखा निषाद अपने समर्थकों के साथ मत्स्य पालक विकास अभिकरण ऑफिस में पहुंची। आरोप है कि यहां इन सब ने मिलकर गाली गलौज और मारपीट की। विभाग की ओर से कार्यवाही के लिए भेजे गए पत्र में इस बात का जिक्र है कि बीजेपी महिला मोर्चे की अध्यक्ष रेखा निषाद, मत्स्यजीवी सहकारी समिति गठिया बहादुर की अध्यक्ष कुंता देवी, उनके पुत्र सालिक राम, मालिक राम सदस्यों और अनेक लोगों ने तेजई और उनके पुत्र सुनील निवासी वल्लीपुर कोतवाली नगर और रिंकू पुत्र बुद्धू निवासी महुवरिया थाना कुड़वार और कार्यालय में बैठे वाहन चालक और वाहन मालिक को जयसिंहपुर नदी पर नीलामी में वाहन ले जाने के लिए बुलाया गया था। भाजपा नेत्री और उनके साथ आए लोगों ने मारा पीटा, वाहन चालक का सिर फोड़ दिया। इस बाबत सीओ सिटी राघवेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि कोतवाली नगर में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया है, विधिक कार्यवाही की जा रही है। मत्स्य पालक विकास प्राधिकरण कार्यालय सुल्तानपुर में प्रातः 10:30 बजे दो पक्षों के मध्य विवाद हुआ, जिसमें हाथापाई हुई। सूचना पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। एक पक्ष से लौकुश को चोट लगी थी, जिसका उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत के विवेचना की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।